ओके, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ट्रिपल डेटा की। ट्रिपल इन पाइथन, ट्रिपल क्या है? ब्रीफ नोट्स बनाते जाइएगा तो ट्रिपल को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ट्रिपल्स जो है वो यूज होते हैं टू स्टोर द मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी मल्टीपल डेटा को जो है वो हम ट्रिपल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये अगेन डेटा की कलेक्शन के लिए जो है ट्रिपल्स को यूज किया जाता है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो क्रिएट करते हैं ट्रिपल। तो ट्रिपल को क्रिएट करने के तरीकेकार देख लीजिएगा। अगर हम कोई एक ए इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल ए में जो है वो हम किया, और हम जो है वो एक खाली ट्रिपल, तो ट्रिपल जो यूज करता है वो स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करता है। इस तरह से ट्रिपल को लिखा जाता है, राइट? अगर मैं खाली ए को देखूंगा तो दिस बेसिकली दिस इज द ट्रिपल, और ट्रिपल को लिखने का जो है वो ये तरीका है। एक वन ऑफ द वे दैट यू राइट दैट ट्रिपल यूज द स्मॉल ब्रैकेट, राइट? उसके अलावा बात करेंगे कि ट्रिपल के अंदर एक बार जब आप डेटा लिखते हैं दैट इज ऑर्डर्ड, और उसके अलावा ट्रिपल का डेटा जो अनचेंजेबल है, इस पे बात करेंगे। अनचेंजेबल का क्या मकसद है और हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं। वंस ये सेल रन हो जाए, अगर मैं इसका चेंज रन टाइप कर दूं तो आई होप के इफ आई कैन, ओके रन हो गया, तो ये जो है वो खाली और एम्प्टी ट्रिपल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लेट्स क्रिएट अनदर ट्रिपल, बी इक्वल टू ट्रिपल का नाम है, और अब हम जो है वो ट्रिपल में डेटा डालने वाले। वी आर राइटिंग द ट्रिपल फॉर एग्जाम्पल नंबर्स इनसाइड, एंड इफ आई जस्ट कॉल दिस बी, सो दिस इज द ट्रिपल विथ इंटीजर्स इनसाइड। ट्रिपल के अंदर जो है वो आपने नंबर्स डाल दिए। एक और तरीका भी है ट्रिपल बनाने के लिए, अगर हम स्मॉल ब्रैकेट के अलावा खाली कॉमा सेपरेटेड जो है वो डेटा बना दें तो भी हम जो है वो ट्रिपल क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तीन तरीके हैं ट्रिपल राइटिंग के पाइथन में, यानी एक तो खाली ट्रिपल हो गया, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स अगर रखेंगे तो भी ट्रिपल बनेगा, और तीसरा ये है कि हम जो है वो ट्रिपल के अंदर जो है वो पेरेंथेसिस जो है ब्रैकेट्स यूज ना करें और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रखेंगे तो भी जो है वो ट्रिपल इन पाइथन आप जो है वो लिख सकते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि ट्रिपल की कुछ और प्रॉपर्टीज और उसको जो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम ट्रिपल की चेक करना चाहें कि डेटा टाइप क्या है तो हमें जो है पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ पेरेंट, हम जो है वो पेरेंट करके देख लेते हैं, पेरेंट सी और मे बी बी, बी जो ऊपर हमने ट्रिपल बनाया उसको पेरेंट करके और उसमें टाइप लिख देते हैं, तो टाइप ऑफ डी जो है ये क्या है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ट्रिपल डेटा टाइप जो है वो देखें क्लास ट्रिपल को जो है वो यूज किया। सो टाइप इज द ट्रिपल, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये ट्रिपल की टाइप है। अच्छा, नाउ लेट्स यूज सम अदर मेथड्स, मेथड्स इन ट्रिपल अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स हैं, मेथड्स इन ट्रिपल, ठीक है ना? मेथड्स कौन से हैं ट्रिपल में, कौन से मेथड जो हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम जो है वो एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है काउंट। तो बेसिकली देखते हैं कि काउंट मेथड जो है वो किस तरह से ट्रिपल में यूज होता है। तो हम एक ट्रिपल बना देते हैं, उसको नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल T1, और T1 हम ऑर्डिनरी इस मेथड्स को प्रेफर किया जाता है ट्रिपल के अंदर, कॉमा सेपरेटर वैल्यू विथ स्मॉल ब्रैकेट। तो T1 हमने एक ट्रिपल बनाया। नाउ T1.count मेथड जो है वो हम ट्रिपल का जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, काउंट मेथड ये करेगा, ये बताएगा कि ऊपर जो ट्रिपल डेटा है इसमें कितनी बार कौन सी वैल्यू आई है। तो डेफिनेटली मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रू को दोबारा लिख देता हूँ, ट्रू को अगेन लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि काउंट करो ट्रू कितनी बार है, तो लेट्स रन दिस के काउंट करें, देखें ट्रू जो है वो 3 बार है। तो काउंट मेथड बिल्ट इन मेथड है जो ट्रिपल में कोई भी एलिमेंट कितनी बार यूज हुआ है उसके लिए जो है वो काउंट मेथड का यूज होता है। उसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आप हम जो है वो जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल के अंदर मल्टीपल बेसिकली मल्टीपल डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। मल्टीपल डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड
टुपल, राइट? टुपल में जो है मल्टीपल डेटा स्टोर किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने जो टुपल बनाया था वो नंबर्स का टुपल था, अब हम एक स्ट्रिंग का टुपल जो बना लेते हैं ना, स्ट्रिंग डेटा, यू नो, हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ए फॉर एग्जांपल बी और कॉमा दैट इज सी एंड देन कॉमा दैट इज फॉर एग्जांपल डी एंड देन अगेन इफ आई राइट देयर इज ए। तो अब अगर हम काउंट फंक्शन यूज करें तो टी टू डॉट काउंट, और काउंट किसको करना है, ए को जो है वो ए कितनी बार ऊपर स्ट्रिंग ऑफ टुपल में जो है वो यूज हुआ है वो हमें जो है वो पता चल। देखें ए जो है वो हमारे पास जो है वो दो बार जो है वो यूज हुआ है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। तो टुपल के अंदर हमने स्ट्रिंग भी लिख दिया और टुपल में हमने नंबर भी लिख दिया। अब हम टुपल के साथ जो है ना इंडेक्स यूज करते हैं, सो यू नो इंडेक्स विथ टुपल। तो इंडेक्स जो है वो हम यूज करते हैं कि इंडेक्स बेसिकली व्हिच गिव्स द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट, यानी टुपल में हम, सॉरी, टुपल में हम जो है वो इंडेक्स यूज करेंगे तो वो हमें बताएगा कि जो टुपल का एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ये बताए, टी टू जो ऊपर हमने टुपल बनाया इसमें इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, और मुझे बताओ कि सी की इंडेक्स वैल्यू क्या है। सो इंडेक्स आपको पता है पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऊपर देखते हैं कि सी की इधर पोजीशन क्या है, तो ये इंडेक्स मेथड जो है वो हमें बता देगा। तो लेट्स रन दिस, के देखें सी की पोजीशन 2 है, किस तरह से, 0 इंडेक्स 1 एंड 2। तो इस तरह से आप जो है वो ट्रिपल में आपको इंडेक्स पोजीशन का जो है वो पता चल जाएगा कि वो क्या है। एक और बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है टुपल्स, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं टुपल्स, थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी, आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब ये कि टुपल्स में वंस आपने डेटा डाल दिया तो उसको जो ना आप चेंज नहीं कर सकते इनसाइड द टुपल। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स क्रिएट T3 दैट इज अ टुपल। तो हम किस तरह से जो है वो टुपल के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, राइट? अब इसकी इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जस्ट 1 मिनट, कि मैं ऐसा करता हूँ T3 के अंदर कोई डेटा रख देता हूँ, दैट इज ए कॉमा दैट इज बी, छोटा सा टुपल बना देते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि T3 को एक्सेस करूं और इसमें ये 0 है, इंडेक्स वैल्यू 0, और अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो मैं कहता हूँ T3 में इंडेक्स वैल्यू 1 पे जाके जो बी है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट? इसको मैं करना चाहता हूँ कि ये सी हो जाए। तो लेट्स सी, अपडेट करते हैं कि बी की जगह सी आ जाए। आप देखें ट्रिपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको कहते हैं इम्यूटेबल, कि वंस आपने टुपल में डेटा डिफाइन कर दिया तो टुपल जो है वो उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, तो इसलिए टुपल्स आर इम्यूटेबल, यानी टुपल का डेटा चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हम कौन सा तरीका है जिसके थ्रू जो है वो, जिस तरह से हम इंडेक्सिंग लिस्ट में यूज करते थे, तो लिस्ट में तो आराम से हम इंडेक्स के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते थे, लेकिन टुपल्स में जो है वो नहीं कर सकते। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को जो है वो देख लेते हैं। लेट्स सी, अब हम हाउ टू चेंज टुपल, टू हाउ टू चेंज टुपल डेटा, कौन सी कंडीशन में हम टुपल के डेटा को चेंज कर सकते हैं, इसका जरा देखते हैं, हाउ टू चेंज टुपल डेटा इन पाइथन। तो एक ये तरीका है कि अगर हम T4, एक और मैं नया टुपल बना देता हूँ लाइक दैट, उसमें हम विद इन टुपल एक लिस्ट डेटा जो है वो बना देते हैं, उसके दो एलिमेंट हैं 2, 5, आगे फिर ट्रिपल का डेटा हम यूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 6, 7, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि ट्रिपल में एक और लिस्ट जो है वो बना दी। तो अब अगर हमें चेंज करना है या कोई डिलीट का फंक्शन यूज करना है तो अब हम इस T4 को चेंज कर सकते हैं। जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं डेल फंक्शन यूज करता हूँ, उसमें कहता हूँ T4 को एक्सेस करो, डिलीट T4, और T4 में से हम कहते हैं कि ये जो लिस्ट इंडेक्स है पूरी लिस्ट ये 0 के ऊपर है, तो हम 0 को कॉल करते हैं। 0 का मतलब ये है कि 2, 5 की जो लिस्ट डेटा है ये 0 पोजीशन पे,
और टू पे हमारे पास सिक्स है और थ्री पे सेवन है। तो जीरो को हिट किया। अब जीरो में से यानी लिस्ट में से जीरो और वन की पोजीशन पे फाइव है, तो अब क्या हम ट्रिपल के डेटा को चेंज कर सकते हैं यानी म्यूटेबल बना सकते हैं या नहीं। सो नाउ हमने डिलीट फंक्शन यूज किया। अब अगर मैं प्रिंट करूं, अब प्रिंट करके टी फोर को देखूं, तो क्या टी फोर में से पोजीशन जीरो पे जो लिस्ट है उसको एक्सेस करके और उसका जो वन है यानी 015 डिलीट हुआ या नहीं। तो अब देखें ये फाइव डिलीट हुआ। अब ये डिलीट हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में हम टुपल के डेटा को चेंज कर सकते हैं, यानी टुपल के अंदर एक और लिस्ट बना के और फिर लिस्ट के डेटा को चेंज कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट टुपल के डेटा को ना तो आप डिलीट कर सकते हैं और ना ही आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आई होप दैट इज क्लियर। हाँ, तो वैसे टुपल जो है वो हमारे पास इम्यूटेबल है, लेकिन चेंज करना है तो फिर एक और डेटा को जो हमें डिफाइन करना पड़ता है। अब हम एक और मेथड देखते हैं, दैट इज कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मींस एडिशन, राइट? कॉन्केटिनेशन मींस एड टू टुपल्स। तो दो टुपल्स को जो है वो कॉन्केटिनेशन बिटवीन टू टुपल्स, दो टुपल्स डेटा के दरमियान आप किस तरह से उसको मिला सकते हैं। तो एक टुपल बना देते हैं डी, कोई भी डेटा इसमें हम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, एक टुपल बना दिया। और दूसरा ये तरीकेकार है, जरा देखिएगा, अगर मैं इसमें और डेटा ऐड करना चाहता हूँ, कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, तो प्लस करेंगे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप जो है वो इसमें कौन सा डेटा ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे सिक्स, सिक्स कॉमा लगा देंगे। तो ये है कि एक और ये वाला जो सिक्स है ये लाइक वन ऑफ द ट्रिपल, ट्रिपल फॉर्मेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में ये हम ऐड कर रहे हैं डी के साथ। सो अब अगर हम प्रिंट करें डी को तो देखते हैं कि सिक्स उसमें ऐड हुआ कि नहीं। तो ये देखें कंकेटिनेशन और डेटा जो है वो इस तरह से ऐड हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया एग्जिस्टिंग ट्रिपल डेटा के अंदर, राइट? तो दो ट्रिपल्स को हमने जो है वो मिला दिया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिपल की प्रॉपर्टीज थी। इसको यहीं रखते हैं और अगले ट्यूटोरियल में फिर आगे जो बात करेंगे। थैंक यू।